जब जब करवट बदले आप चमकते अगले पिछले काया जब जब करवट बदले आप चमकते अगले पिछले काया जब जब करवट बदले आप चमकते अगले पिछले काया जब जब करवट बदले आप चमकते अगले ऐसा ज्योति जगाने वाला और नहीं ऐसा ज्योति जगाने वाला और नहीं भोलानाथ से निराला भोलानाथ से निराला कोई और नहीं भोलानाथ से निराला भोलानाथ से निराला कोई और नहीं कोई अकल्पनीय अवसर है परमात्मा अकल्पनीय मोहिनी रूप में जो दुष्ट राक्षस हैं वो आकर्षित हुए हैं और परमात्मा ने उनको इस तरह से आकर्षित किया कि उन्होंने अपना जो कलश है जो घट है श्री हरि हरि के हाथ में दे दिया मोहिनी रूप में और परमात्मा निरंतर नृत्य में बने हुए हैं और देवताओं को इशारा किया है और सभी को धीरे धीरे जितना हो सके अत्यधिक मात्रा में जो असुर है वो तो मस्त है क्योंकि मदिरा में जो रहता है वो अस्त व्यस्त ही रहता है मस्त नहीं रहता बल्कि अस्त व्यस्त रहता है सबको अस्त व्यस्त कर भी देते हैं। मैं लिखित दे रहा हूं जो लोग मदिरा पान का सेवन करते होंगे उनके घर में सुख चैन तो शांति नहीं होगी क्योंकि वो अव्यवस्थित करती है विचलित कर देती है घर को तोड़ देती है। जो दुर्व्यसन है ना जो जिंदगी में हम लोग हमको थोड़ा सा क्षणिक क्षणिक समाधान है लेकिन जो उसका नुकसान है ना आप समझ सकते हैं कि जो ये शरीर रूपी काया है मैं मेडिटेशन की बात भी करूंगा आज मैं एक अकल्पनीय रामबाण की बात करूंगा उस रामबाण को याद कर लेना इसके तदुपरांत ही करता हूं। तो जीवन में योग का बड़ा महत्व है शरीर है तो सब कुछ है जीवन का सहार ही है। तो परमात्मा सभी को बांट रहे हैं लेकिन सुरभानु नामक एक राक्षस से उसकी दृष्टि पड़ती है जब वो ध्यान देता है कि परमात्मा के मुंह का तो रूप अलग अलग है देवताओं को देख रहे हैं ममत्व तो नजर आ रहा है उसकी दृष्टि पड़ जाती है क्योंकि छाया के मध्य होता है। तो जो सुरभानु है वह भी क्या होता है कि उनको बीच में रूप धारण करते हुए अमृत रस को धारण कर लेता है लेकिन तुरंत दृष्टि पड़ जाती है भगवान श्री हरि की और जैसे ही सुदर्शन चक्र चलाते हैं तो उसके दो हिस्से हो जाते हैं एक राहु है और एक केतु है। समझ लो जो नौ लोगों से आप डरते हो ना
इन नौ ग्रहों से जीत जिलाने वाला एक ही ग्रह है, वो हमारे कान्हा नामक ग्रह, गोपाल नामक ग्रह है। भगवान के नाम का अनुचिंतन कर लो, मैं रियल बता रहा हूँ, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं। कोई नौ दसवां ग्रह आपका आपके साथ निरंतर रहेगा ना, जब सुमिरन करोगे तो नौ ग्रह स्वतः ही शांत रहेंगे, नौ ग्रह शांति की यज्ञ की आवश्यकता नहीं है। दसवें ग्रह को परमात्मा के अनुचिंतन के नाम के स्वरूप को निरंतर अपने अंदर, वो भी सत्य निष्ठा के साथ सम्मान करो हर किसी का। तो परमात्मा ने देवताओं को अकल्पनीय तरीके से जो उनका उद्देश्य था उसे पूर्ण किया, तदुपरांत समस्त राक्षसों का वध हुआ। लेकिन जो राक्षसों के गुरु है ना, उनके पास एक अकल्पनीय मंत्र भी है, जो मृत जीवनी मंत्र, सभी को पुनः जीवित कर दिया। चलिए थोड़ा सा परमात्मा के बारे में अनुचिंतन करने से पहले अब बता देता हूं वो बात, सुन लें सभी लोग। थोड़ा सा निवेदन है, कल आज करवा चौथ का व्रत था, इसलिए थोड़ा सा व्रत की चर्चा भी करेंगे। इसके तदुपरांत बीच जब महाराज अम्बरीश का थोड़ा सा अमृतान करेंगे, तो आज व्रत की वजह से हम लोगों ने कृष्ण आज जो कि कृष्ण जन्म करना था, लेकिन कल संडे का दिन है। मैं निवेदन करूंगा ये प्रोग्राम आप जब बोल पड़ रहे हो तो आयोजक आप और हम हैं। कल यहाँ पर मेरे को ये ना बोलना पड़े कि मंच सजाना पड़े। कल आप लोग सुबह से ही आइए और जो आप कर सकते हैं इस मंच में, क्योंकि स्वतः आपके इस स्थान पर, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अकल्पनीय रथ लगा था तो यहाँ में हनुमान जी भी विद्यमान थे, फेरी थे देखा, जिसने यहाँ पर इसी जन्माष्टमी की मैं बात कर रहा हूँ, कितना अकल्पनीय सुंदर से पहिए चल रहे थे, मेरे को ध्यान है, मैं थोड़ी देर के लिए आया था लास्ट। तो कहने का अर्थ है सुंदर, क्योंकि कल तो जन्मदिन, वो ऐसे व्यक्ति का आप जन्मदिन मना रहे हैं जो अजर और अमर है। उसके लिए आपको हैप्पी बर्थडे ये नहीं कहना कि तुम जियो हजारों साल, ऐसा नहीं बोलना। उसका तो निरंतर, वो तो सदियों से था, है और रहेगा, लेकिन उस उत्सव का रस ही अलग रहेगा। वो आनंद रस प्रस, जिसके नाम में ही आनंद है, वो रस प्रदान करने वाला नाम है। तो मेरा निवेदन है आज भी परमात्मा के आरंभ जब होगा तो श्री रामचंद्र जी का जन्म आज भी हम मनाएंगे, ऐसे अभी थोड़ी देर बाद बामन अवतार होगा। तो कहने का अर्थ है जब मैं योग की बात कर रहा हूँ, एक रामबाण दे रहा हूँ, सुन लीजिएगा। जब भी जाएं, जहां भी जाएं, अगर कोई अच्छी चीज सुन रहे हैं तो उस समय स्पाइनल को सीधा कर लेना, स्पाइनल समझ रहे, पीठ। अभी नहीं, धीरे धीरे प्रयास करोगे तब विदम्बर। ये रहस्य है, अभी समुद्र मंथन हुआ था ना, तो ऊर्जा एक सर्फ, आप लोग जानवरों की निर्मम हत्या करते हैं ना, हिंसा करते हैं, कभी किसी को मार, जब आप पैदा करने के किसी को सम्मान नहीं दे सकते, तो उसमें भी आपका ही अंश है, ये सोच लें। परमात्मा ने जब लिखा है ना कलयुग हिंसा, हिंसा लिखा है ना, वो हिंसा किस तरह की है। तो निवेदन है सबको सम्मान दें, अगर सम्मान नहीं देते तो प्लीज अपमान भी ना करें, किसी प्रकार की कोई जीव जंतु की हिंसा भी ना करें। उसको अगर आप यहाँ पर सक्षमता नहीं है, उसको कहीं बाहर भिजवा दें, किसी जो पालते हैं गाय, चाहे गाय मिले, चाहे कोई भी जानवर मिले, चाहे सर्फ भी आ रहा है। देखो सर्फ, आप भी वास्तुकी नागी हो, ये जो अपने घर में बैठे हैं ना कि मेरा एक घर, ये मेरा है, ये मेरा, तो सर्फ आप भी हैं। तो जो शक्ति है ना, वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड में, आपको बता दूं, जो साक्षात शक्ति का स्थान बताया गया है वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड को जो लोग सीधा रखते हैं, इस पर मैंने काफी काम किया है, सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड पर मैंने एक बहुत बड़ा लेक्चर लिखा हुआ है। जो स्पाइनल कॉर्ड को सीधा रखते हैं, सबसे पहले उसका पेट कम होता है, मैं बता देता हूँ, पेट कब खिंच जाता है जब आप स्पाइनल को सीधा करते हैं, पेट आपको कम करने की जरूरत नहीं, खुद ही खिंच जाएगा। उसके अलावा ऊर्जा, एनर्जी, जो शक्ति है वो हमारे मूलाधार चक्र पे, जो पृथ्वी को टच कर रहा है आपका स्पाइनल, वहां पर सर्फ सोया हुआ है। अगर स्पाइनल सीधे रखेंगे तो जिंदगी में कोई बीमारी ही नहीं होगी। जब ऊर्जा सीधे चलेगी, जब रास्ता सीधे मिलेगा, जब आप गाड़ी चलाते हैं कोई सीधा रास्ता होता है, कॉन्फिडेंस के साथ चलाते हैं ना, तो वैसे ही जीवन रीढ़ शरीर का अभिन्न अंग है, स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ जिसे कहते हैं। और जब भी प्रातःकालीन सत्र में उठे तो झटके से नहीं उठे, बल्कि बाई करवट लेके सहारा लेके उठो, एकदम कभी भी पीठ के बल होते तो एकदम कभी भी, और हमेशा क्योर कर, स्पाइनल कॉर्ड की रक्षा कर। और जब भी अवसर मिलता है, जहां पर भी ऑफिस में भी है, स्पाइनल को सीधा कर लें, बिल्कुल सीधा करके बैठे। दो चार दिन दिक्कत आएगी बैठने में, लेकिन जब धीरे धीरे
और मैं बताऊं अकल्पनीय जो भी समस्त बीमारियां दूर होती हैं सब रोग ठीक होते हैं जब सिस्टम में सारी चीजें सुचारू रूप से मिलना आरंभ हो जाएगी क्योंकि ऊर्जा जब सुचारू रूप से चलना आरंभ हो जाएगी तो रोग को उत्पन्न करने वाले भी हम स्वयं ही हैं और उसकी दवा भी हम स्वयं ही हैं डॉक्टर के पास जाते हैं ना तो हमें सिर्फ वो क्या देता है एक बिहेवियर व्यवहारिक थेरेपी देता है तो आप उसके अनुरूप चलना आरंभ करते हैं ना जिस दिन आप अपने अनुरूप चलना आरंभ करेंगे ना तो उस दिन सारे समाधान आपको मिल जाएंगे अपना अनुरूप अपने साथ जुड़ते हुए चले तो स्पाइनल कॉर्ड को जब सीधा करेंगे तो जितने भी रोग हैं वो तो दूर होंगे और जीवनी शक्ति का संचरण ऊपर की ओर लगेगा मानसिक अस्थिरता समाप्त हो जाएगी स्थिरता ध्यानात्मक स्थिति का अनुभव होना आरंभ हो जाएगा जीवन में जितनी भी रुकावटें हैं कई बार हमारे अंदर सुझाव कई बार आप देखते हैं ना कुछ शब्द आते आते रुक जाते हैं आया होता आप कहते हैं मुझे याद है लेकिन जब आप स्पाइनल को सीधा करेंगे तो फिर आपका ब्रेन स्वतः ही एक्टिव हो जाएगा ये जो ये ब्रह्मांड है सहस्रार है यहां शिव निवास करते हैं जब शक्ति और शिव का मिलन होता है तो समझ लीजिए कि सृष्टि अकल्पनीय होती है सृष्टि अकल्पनीय हो जाती है तो इसलिए जब भी अवसर मिलता है जहां भी जाएं आप जो सीनियर जो युवा है वो लोग कर सकते हैं क्योंकि कोई भी चीज जो होती है ना आरंभ से कीजिए सत्संग भी अगर आप सोचोगे कि मैं बाद में लूंगा तो उसका लाभ फिर जो प्रैक्टिकल की चीजें हैं ये सत्संग भी प्रैक्टिकल की चीज है तभी लाभ मिलेगा और प्रयास रोज करना होगा आप ये सोचेंगे मैं बुढ़ापे में प्रैक्टिकल होता ही नहीं अब शरीर एक्टिव ही नहीं होगा अब बुढ़ापे में मैं आपसे कहूंगा योग करो कपाल भाती की तो चलो कर लोगे मैं कहूंगा चलिए शीर्षासन करते हैं या कोई और अच्छा आसन करते हैं तारा तो नहीं होगा तो निरंतर करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान रसरी आओ जात से सिल्पर पड़त निशान तो अपने अंदर खोज जो लोग स्पाइनल को सीधा रखते हैं ना वो अजेय होते हैं मैं आपको बता रहा हूं जिंदगी में वो कभी हार नहीं सकते जिसके पास शक्ति आ रही है जिसके पास सुझाव आ रहे हैं जिसके पास समाधान आ रहा है तो उसको सब कुछ मिलना मैं बार बार कह रहा हूं सब कुछ हमारे अंदर ही है इस स्पाइनल कॉर्ड में मैंने कल बोला था ना अस्त